अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। मिशेल लहरा है, इसकी चर्चा जो भी हो आपसे संभव होगा, आज जयजी के साथ होंगे तो मुख्यमंत्री से फिर करेंगे, क्या इसमें संभव हो सकता है? मैंने क्या कहा, अभी अभी हम आपसे कोई बात करने लगे तो पूरा ना कर पाए, तो काम हम किसी मैंने इसीलिए हमने कहा कि अभी पीछे निकल पा रहा है, अभी इसमें पीछे मुरादनगर के विषय में ये विषय मैंने विधानसभा में एक महीने के अंदर उसका जवाब आना है। आप लोगों ने मेरे साथ कहा लेकिन मैं मेरी संवेदनाएं भी परिवार से जुड़ी हुई उसी के अंदर रोजगार का है, दूर लगा नहीं रखा सर, ये रहा सर लेटर हमारी स्थिति इतनी खराब थी, हम खुद नहीं थे क्या सही है क्या, तो आप खुद ही खुरे थे और आज भी खुरे हैं। हमें ज्यादा हमारे जो कमाने वाले थे वो ही चले गए, हमारे बच्चे खाना भी नहीं खाते, हमारे मुँह में खाना भी नहीं चलते, हमारे बच्चे रो रहे हैं, छोटे बच्चे इसके बाद में बताऊंगा कि क्या होएगा आगे चलेंगे। अब आगे हम किससे जवाब मांगे नौकरी के लिए, वहाँ से हमें लेटर दे दिया गया है कि नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी हमारे इस क्षेत्र में है ही नहीं, प्राइवेट नौकरी के लिए कह रहे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी बारी बारी मेला लगता रहता है, आप उस मेले में भाग लो, हम मेले में तब तक विश्वास करा था, हमारा विश्वास ना तोड़े, हमारी ठीक है। उस समय सरकार ने हमें बोला था कि 10 लाख रुपए और मकान और तुम्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख भी मिल गए, मकान भी नहीं मिला ना, और हमें वो मिली है नौकरी, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अभी जो विधायक जी से आपने बातचीत की, मोदी नगर विधायक भी थी यहाँ पर, मुरादनगर विधायक भी थे, क्या बातें हुई, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा कि मैं देख रहा हूँ और देख के बताता हूँ कि क्या सरकार का जवाब है, हमारे हाथ में नहीं है, मैं देख के बताता हूँ। नहीं उस समय तो सारे नेता भी नेता आ रहे थे, बोल रहे थे कि नौकरी देंगे सरकारी मिलेगी, अब कहाँ है वो सारे के सारे नेता? क्या गाजियाबाद जिलाधिकारी से भी कोई बातचीत हुई अभी तक इस मामले को लेकर? उन्होंने कहा कि हमने तो कहीं भी लिख के दिया सरकारी नौकरी है। अब ये बताओ जो लेंटर गिरा है शमशान घाट का, वो इन्हीं की लापरवाही से गिरा है, सरकार की लापरवाही से, ठीक है, उसमें हमारे गए हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, मैं लेटर दिखाना एक बार क्या है। अरे बहन पूजो से, मैं तो पहले दिन से शमशान घाट के। नाम मनीषा है, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर दोनों एक्सपायर हुए हैं। मैम जो उस टाइम पहले एंटर करने के बाद जो वादे किए थे सरकार ने, सरकार कहाँ तक खरी उतरी है इन वादों में? जॉब नहीं मिली है, पैसे मिले, मुआवजा जो उन्होंने बोला था वो मिल गया है, पर हमें जॉब चाहिए, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे, हम 2 महीने हो गए, 2 महीने से कोई भी घर नहीं आ रहा, हमें ऊपर से हाथ खड़े कर रहे हैं कि जॉब हमारे हाथ में नहीं है। मैम पहले विधायक जी भी आए थे आपके पास? हाँ जी सब आए थे, तो उन्होंने भी आपसे वादे किए होंगे? हाँ सबने कहा था, सबने कहा था सरकारी जॉब मिलेगी, उन्होंने अब क्या कह रहे हैं जीतपाल जी? अब सरकारी जॉब नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये नोटिस दिया है, क्या करें अब, हम 2 महीने हो गए कोई नहीं आ रहा, हम कैसे अपना करें काम? हम लखनऊ तो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, हमने अपने आदमी, आप एक काम करो मुआवजा भी रख लो, पर हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब नहीं तो हमारे आदमी वापस कर दो, हमें जॉब चाहिए बस, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, अब हमारा अधिकार है, या तो हमारे जॉब दो या फिर हमारे आदमी पापा दो, हमें पैसे दे देंगे, पैसे ले लो आप वापस, हमारे हस्बैंड मेरे ससुर दो करने वाले थे, दोनों चले गए, मुझे वो चाहिए।
करते, सारे नेता अभी नेता नहीं करते, तुम्हारे पापा चले गए, हमें दुख है, हम तुम्हारा साथ देंगे, पापा बन गए। अब कोई बच्चों को भी नहीं देखने आ रहा, जब तो ये कह रहे थे हम आपका साथ देंगे, आपको वो करेंगे। अब अलग अलग जगह कहते हैं उसको एप्लीकेशन लिखो, उसको एप्लीकेशन लिखो, हम किस किस को एप्लीकेशन लिखे, हाँ चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मेरी लड़की का एडमिशन 15 दिन में एडमिशन हुआ है मेरी लड़की का, लेटर आया हुआ प्रिंसिपल ने रख लिया, 15 दिन में एडमिशन हुआ, एडमिशन के चक्कर कर रहे हैं। लगाने का जवाब हमें ये नोटिस मिल रहा है, ये कहाँ का वो है, इससे तो हम